अध्यापकों को स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वही अध्यापक आज दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। बड़ा एक बेचैनी एक समझ में नहीं आती है कि इस यूपी सरकार या दिल्ली सरकार क्या चाहती है। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ बेटियाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं। कटारिया जी आप कहाँ से आई हैं? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से जी। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से। आपकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आई हैं? हमारी मांगे ये हैं कि हमें सहायक अध्यापक का पद हमें अपना अपना पुनः वापिस चाहिए, हमें अपना सम्मान वापिस चाहिए, यही हमारी मांग है। क्या जी? हमें अपना सम्मान वापिस चाहिए खोया हुआ, और हमें सहायक अध्यापक का पद हमें पुनः वापिस चाहिए। क्या सम्मान चाहिए आपको, क्या सम्मान आपका खो गया है? हमारा सम्मान ये है, समान वेतन समान काम, जो इन्होंने योगी जी ने भी कई अपनी वार्ता में दो बार कहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस में ये कहा है कि मैं इनका पूरा वो करूंगा, तो उस पर उन्होंने किसी भी बात पे अपने अमल नहीं करा। उनकी बातें हवा में हुई हैं, बिल्कुल उनकी बातों पे उन्होंने कोई अमल नहीं करा। समान काम समान वेतन, 17 साल से हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारा कोई इन्होंने कोई मतलब आधार हमारा बिल्कुल हमें निराधार कर दिया। कटारिया जी जब आपका सिलेक्शन हुआ था ये शिक्षा मित्र के अंदर क्या मापदंड रखा गया था? जिस टाइम शिक्षा मित्र बनाए उस टाइम तो इन्होंने इंटरमीडिएट ही रखा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सरकार ने सभी कोई भी शिक्षा मित्र आज इंटर नहीं है, सब स्नातक हैं और 2 वर्षीय BTC पास हैं और कुछ लोग टेट भी हैं। तो ये इसमें इन्होंने तो हर एक को एक जैसा ही वो कर दिया, मतलब ऐसा कोई इन्होंने मतलब उस टाइम पे तो BTC, लेकिन इस वक्त सब स्नातक और BTC हैं, सभी शिक्षा मित्र, कोई भी इंटर नहीं है इस टाइम। क्या अभी आपने जैसे आप दिल्ली के अंदर आए हैं, आपने उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई गुहार लगाया? गुहार लगाई हमने वहाँ जाके, बहुत इन लोगों ने वार्ता करी हमसे, 4 बार विजय इन्होंने क्या नाम राज प्रताप सिंह ने वार्ता करी है, 2 बार मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने वार्ता करी है, लेकिन उन वार्ताओं का कोई असर नहीं हुआ, उन वार्ताओं का कोई उनकी उसमें जो बातें कही गई उनका कोई अमल नहीं हुआ।